आ जाओ ब्लैकी, सबसे पहले ब्लैकी को आज देंगे भाई हम। ये लो ब्लैकी, थोड़ा थोड़ा खाओ, ज्यादा ना खाओ, तुम्हारी तबीयत सही नहीं है। क्यों, किसने कहा? यार बचा देती है ना, मैंने कल कलेजियां डाली हैं। अच्छा, सारी की सारी बची हुई थी, सिद्धन थोड़ी सी भी नहीं खाई थी, अब देखो खा रही है ना। अब खा रही है। उनका यार कूलर बन रहा है? हाँ बना रहे भाई, आए हुए हैं। इनका यार कूलर खराब हो गया था तो अभी हमने बनवा लिया, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है। तो भाई हमने कहा नहीं, बारिशें हो रही थी तो सुकून में थे, लेकिन आज बहुत ज्यादा गर्मी है। बन गया भाई? चले शुक्र है यार। ऐश का, फियोना का, ऐश का, फियोना का। इनका दरवाजा खोल दे, इधर भाग के आएंगे ये। एक मिनट। सही है सही है सही है, भूख तो लगी होगी इनको, है ना। आराम से खाओ है भाई, डकार मारी जा रहे हो, आराम से। बहुत जल्दी जल्दी खाता है। अभी देखता हूँ मैं इसके करीब जाता हूँ, मुझे काटती है कि नहीं काटती। क्यों ना, गुस्सा भी नहीं कर रही है तो अच्छी बात है, अच्छी बात है। ऐश क्या करता है देखते हैं, ऐश भी कुछ नहीं कह रहा। गुड यार, टाइम इधर आओ जल्दी। हाँ यार, ये सप्लाई को आप कैसे सेट करें, ये ना हो कि फिर बारिश है फिर खराब हो जाए। हम दोस्तों क्या करते हैं कि इस सप्लाई को ना ऐश और फियोना के घर ही सेट कर देते हैं, पानी चला जाए तो क्या पता खराब हो जाए। हाँ ये नहीं आएगा, आप टेंशन ना लें। नहीं जाओ, डरता है भाई। ऐश आ गया भाई, ऐश इधर आओ। कुछ नहीं कहता भाई, कुछ नहीं कहता, आप टेंशन ना लें बिल्कुल भी। चलो चलो ऐश, अंदर नहीं जाओ यार, तुम्हारे घर में ठंडक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं भाई। चलो भाई ले आओ, ये काम करना यार बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐश फियोना गर्मी में बहुत तंग होते हैं। इनको हर वक्त पानी भी देना होता है और हर वक्त इनका कूलर पंखा चलना चाहिए, ये ख़राब नहीं होना चाहिए बार बार। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? तो फाइनली हमारे ऐश और फियोना का यार कूलर पंखा सेट हो गया है, अब इनको ठंडी ठंडी हवा लगना शुरू हो चुकी है। ठीक है ऐश और फियोना, अब खुश मज़े करो यहाँ पर भाई। हाँ शाम को तुम्हें निकालेंगे अब, ओके। जैक और विजी, तुम दोनों कैसी हो, कैसे हो या कैसी हो? कुछ नहीं पता अभी, हम डीएनए कराएंगे एक दफा लाजमी। अच्छा ठीक है सिद्धन, इनको यार पानी रख दो, गर्मी हो रही है, इनको भी तो यार गर्मी लगती होगी। हाँ भाई जैक, इनको ऐश फियोना की तरह तो नहीं लगती होगी गर्मी? नहीं नहीं, वो ऐश और फियोना तो साइबेरियन हस्की है यार, उनको ठंड में रखना पड़ता है। अच्छा अच्छा, इनको पानी रख दो ठंडा सा, ये खाली है भाई, खाली है। जैक यहाँ पर बैठो, चलो शाबाश, विजी को कुछ नहीं कहना, ओके बैठ जाओ ना, बैठ जाओ। मेरे यार नाखून तो नहीं मारो, लग रहा है मुझे। सलाम कर रहा था जिद्दन, मुझे तो ऐसे लगा। ओ पी रही है विजी, पी रही है भाई। क्या मसला है तुम्हें जैक? यार ये कह रहा मुझे दो। नहीं पी रहा ना ये, ये देखना अभी मुझे मारे। ओए यार देखो, कह रहा विजी को क्यों दे रहे हो, मुझे दो तो पियो ना, तुम भी आ जाओ, चलो आ जाओ मेरे पास, चलो आ जाओ जैक, ये लो। नहीं भाई नहीं, तुम विजी को पिला के आ जाओ बाहर, ओके मैं जा रहा हूँ। सिद्धांत ये नहीं डालना, क्या ये वाली खुराक डालो यार, क्यों दिया यार? दूसरे घर में थी, ढूंढने गया हुआ था। शुक्र है तुमने नहीं डाला। डाल दूं? नहीं यार क्या हो गया सिद्धांत, करो मुझे भी पता, थोड़ी सी। हाँ इतना काफी है, चलो डालो। ये देखो कैसे पीछा कर रही है, देख रहे हो? क्या हुआ शयान? ओके ओके आप चलाओ बाइक। हाँ दे दो, खोलता हूँ मैं। ये तो चिपक जाते हैं यार। ओह हो गया, ये देखना टूट पड़ेगी ये। ओह यार वाकई में सितम, माशाल्लाह दोस्तों हमारी सारी फिशेज आराम से अपनी अपनी खुराक खाएंगी, और फिर हम आएंगे 3 से 4 घंटों के बाद और फिर इनको दोबारा खुराक देंगे। आज इसी तरह इनको अकेला छोड़ दो। तो यार अभी मैंने ना अपना ग्रीन पैरेट उठा लिया है, इससे भी डरते हो तुम? मैं इसको मकाओ के साथ छोड़ता हूँ और देखता हूँ ये मकाओ से कितना छोटा है, और देखता हूँ मकाओ इससे मारता है कि नहीं मारता, देखते हैं। अभी इसने पानी पिया ना, इस वजह से गीला गीला हो गया। अभी ये वीजी है, देखते हैं। हाँ वीजी के साथ छोड़ के देखता हूँ कि वीजी क्या कहती है। ओए ओए मारना नहीं, डर गया डर गया डर गया। मेरे ख्याल में ओ मारेगे। ओए नहीं मारो, इसके साथ हेलो हाय करो ना, मुझे क्यों कह रही हो? वीजी ये तुम्हारा छोटा भाई है, ऐसे समझ लो। ओए ओए पागल,
निकलो यहाँ से। हेलो की बच्ची मारा यार उसको इसने। चलो चलो तुम्हें मैं वापस रख देता हूँ, ये मारते हैं। हाँ क्या हुआ? ये क्या कह रहा है यार, अब कह रहा है डक्स के बच्चे मर गए। इसको छोड़ देता हूँ, इसको अंदर छोड़ता हूँ, फिर जाता हूँ मैं ऊपर। ओए बाहर, तुम क्यों बाहर आ गए हो? आ जाओ शाबाश, ऊपर आ जाओ। मैं देखता हूँ, वो कहता है डक्स के बच्चे मर गए हैं, दुआ करो। ऐसे मजाक ही कर रहा हो वो। चलो अंदर जाओ, अभी आ रहा हूँ। हाँ क्या हुआ? डक्स के बच्चे मर गए, जूर नहीं मार रहा। सच्ची सच्ची पता नहीं यार, मर गया हो शायद, हो भी सकता है। तो आप चाचू ऊपर है? अच्छा हाँ, मरे हुए वाकई? बच्चे मरे हुए हैं। कितने? काफी ज्यादा मरे हुए हैं। कैसे? समझ नहीं आ रहे टाइम, ये ऊपर चढ़ती है, पता नहीं क्या होता है यार। ये देखो, एक मुझे दिखा दो यार। ये मार मर गया है। तीन बच्चे और भी हैं, चार और कितने हैं? पांच। देखो ओ भाई और भी हैं यार, एक साथ इतने सारे बच्चे कैसे मर सकते हैं शयान? मुझे तो पता भी नहीं है, लोगों को पता। तुराब कैसे मरे होंगे यार? हमारे 10 के 6 बच्चे मर गए। मैं तो कहता हूँ ये जगह ठीक नहीं है इनके लिए, हम इनको अलहदा रखते हैं। इनकी माँ पता नहीं सही से केयर कर रही है कि नहीं कर रही, दो दो है ना, क्या पता ज्यादा हीट दे देती हूँ या कुछ ऐसा वैसा। बात नहीं है चिपैन। हाँ। इनके पैरों पर, इनके जिस्म पर ये चढ़ जाती हैं। अच्छा। फिर ये उठती नहीं है। पिछला अच्छा। बच्चा जो हमने उठाया है वो भी तो ऐसे ही था। अब पता नहीं यार मुझे यार, अब जो हम सोच रहे हैं कि इन डक्स के बच्चों को ना हम इनसे अलग ही कर दें। आपने देखा कि पूरे 6 बच्चे मर गए यार, समझ नहीं आ रही। 5 है, 6 कल भी तो एक मरा था, 6 बच्चे मर गए यार। तो पहले इनको दफना देते हैं, फिर इनके पास आते हैं। ये देखो अभी भी वो चिल्ला रहा है, चूजा डक इसके ऊपर चढ़ी हुई है, वो देखें। बस यार अब समझ आ रही है ना सिपतैन, क्यों मर रहे हैं बच्चे और जख्म है यहाँ पर सारे यार। ये देखें इनको ना, यहाँ से खोपड़ी के बाल उतरे हुए हैं और या इसके भी हैं ऐसे यार, सिपतैन हैं ऐसे। ये देखो ये जख्म है सारे। चलो हो हो हो, चलो यार दफनाते हैं। चलो उठाओ यार, उठाओ आप। उठ जाओ यार, उठ जाओ। नहीं उठेगा चाचू ये, अब चाचू जो चीज मर जाती है ना वो फिर जिंदा नहीं हो सकती, पता है आपको? ये हमेशा के लिए हमें छोड़ के चले गए। बच्चे देगी इसी के तो बच्चे थे चाचू, ये वाले जो ब्लैक वाले। आज 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 यार आज दफनाते हैं इनको यार। अब हम जा रहे हैं डक्स के बच्चों को ना दफनाने, और बहुत अजीब सा लग रहा है यार। पहली दफा डक्स के बच्चे हैं और माँ इनकी अच्छे से केयर नहीं कर रही। हम समझ रहे थे कि इनकी माँ दो दो हैं, बहुत अच्छे तरीके से केयर करेंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हाँ हाँ ना चाचू, बस वो अच्छे से केयर नहीं करी, इनके ऊपर चढ़ जाती हैं, वजन देती हैं, फिर मर जाते हैं, उनका दम घुट जाता है, ये हो रहा है इनके साथ। आ जाओ आ जाओ। हाँ मामू मर गए, सारे नहीं मरे, 6 मरे हैं, बाकी 6 बचे हुए हैं। ध्यान ध्यान, अरे अरे शयन वो है पीछे, हाँ चला गया चला गया। आ जाओ तो यार, अभी तो आप क्या कर रहे हैं, डक्स के बच्चों को ना दफना रहे हैं बेचारों को। आप भी रख दो ये वाला। दो यार। हाँ चाचू। ये उठेंगे भी नहीं, थे थोड़ा सा भी नहीं उठेंगे यार। आपको बताया तो चाचू नहीं उठते ये अब यार। चलो दफना दो। यार यहाँ पर देखें इतनी सारी चीले ना गोल गोल घूम रही है, मेरे ख्याल में जो बतख के बच्चे हैं ना उनके ऊपर इनकी नजर है। देखें मुझे भी ऐसे लग रहा है। चलो ये देखो, ओ इतनी करीब चीले नहीं आती यहाँ पर। चलो इनको निकालो पहली फोटो में। चलो देख रहे हैं ये ऊपर चढ़ी हुई थी। चलो भाई ये माए सही नहीं है, चलो सिपाहन सबको उठाओ। हम चुराब तुम बिल्कुल ठीक कह रहे थे, उसके गर्दन पे चढ़ी हुई थी, दम तो घुटने ही वाला था, हमने हटा लिया इसको। सब बच्चों को उठाते, सबको निकालो भाई यहाँ से। हम समझ रहे थे माए हैं अच्छी केयर करेंगी। कैसी माए यार, अपने बच्चों को मार दिया, लेकिन उन्होंने जानबूझ के नहीं किया होगा बेचारियों ने। इन बेचारियों को भी यार दुख हो रहा होगा, क्योंकि इन्होंने जानबूझ के तो नहीं मारा, हमने सारे बच्चे इनके निकाल लिए और ये परेशान हो रही है कि हमारे बच्चे कहाँ चले गए। कहाँ छोड़े तो आप? मकाऊ मार डालेंगे, अभी मैंने ग्रीन तोते को दिखाया इनको। हाँ। गर्दन पे काटा है। अच्छा जी हाँ, इधर छोड़ देते हैं फिलहाल। अच्छा घूमे फिर ट्रेन को शिफ्ट कर देंगे, हो गए।
हाँ इधर खुश भी रहेंगे यहाँ पे यार। वो उनकी माए उनके ऊपर चढ़ रही थी, मर रहे थे वो। चलो भाई यहाँ पर अब आराम से घूमो, फिर तुम्हें हम पिंजरे में बंद कर देंगे। यार माशाल्लाह से मौसम फिर से अच्छा हो गया है सितैन। ऐश और फियोना को खोल लो, मौसम अच्छा है, शाम की वाक हो जाएगी ना। बड़े वरन को वाक की जरूरत होती है सितैन। ध्यान से ध्यान से। यार ऐश और फियोना भौंकते नहीं है, पता नहीं क्या वजह है, मैंने आज तक इनकी भौंक नहीं देखी। ऐश क्या कर रहे हो यार, ये किधर जा रहे हो? वो भाग गया। ओके यार लड़ नहीं रहा। सही कह रहे हो तुम, दोस्ती हो सकती है यार ये तो। वो देखो ऐश खेलना चाहते हैं यार। अभी हमें पता चला ऐश और फियोना इनके साथ खेलना चाहते हैं, लेकिन वो वाले डॉग्स ना भाग जाते हैं। तो यार ऐश और फियोना को ना हमने मिनी जू में बंद कर दिया है, और उनकी आज बहुत अच्छे तरीके से वाक हुई है। और अभी सिप्तन इधर आओ जरा, यकीनन बच्चे आए ही हुए होंगे। इधर देखते हैं कोई बच्चे निकले होंगे। इंशाल्लाह निकला हुआ है सिप्तन। हाँ माशाल्लाह, ये देखो कबूतर का बच्चा। ये देखो भाई, नहीं इसको हाथ में लगाना, मर जाते हैं। और भी देख लेता हूँ। चलो अभी जाओ तुम अपने माँ बाप के पास, और देखते हैं। और बच्चे तो नहीं है, अभी तो कुछ नहीं है यार। अंडे सिप्तन यहाँ पर कुछ भी नहीं है। ओए, चलो भी जाते हैं। इधर एक बच्चा था, और इधर चेक कर लेते हैं। हाँ भाई यहाँ पर कोई बच्चा शच्चा नहीं लग रहा। नहीं इधर कुछ नहीं है, अंडों पर ही बैठी हुई है यार। ये देखें कबूतरी तीन अंडों पर बैठी हुई है। ओहो बहुत अंडे हैं यार इधर, यहाँ से चलते हैं। एक ही बच्चा था। क्यों तोड़ रहा है यार ये? इसने तोड़ा, इसने तोड़ा। चाचू ये रैबिट्स का घर है, इसको छेड़ो नहीं। चलो आ जाओ। ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो। आज यार हमारे रैबिट्स, आज यार हमारे डस के बच्चे मर गए। पता भी नहीं था कि ऐसा होगा, अचानक से हुआ जो भी हुआ। तो मिलेंगे इंशाल्लाह कल। अभी के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़। देखो होंगे हर कोई बच्चे, अंडे सब कुछ सही है भाई उनका भी। देखो ना जरा। हाँ है? नहीं है। चलो आ जाओ। आओ यार नीचे चलो जरा।